मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कई जगह बूथ कैप्चरिंग और बवाल के आरोपों के बाद भी चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान जैसी कोनू प्रक्रिया नहीं अपनाई है और इन्हीं आरोपों पर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बयान आओ है। उनने कही है कि खुलेआम बूथ कैप्चरिंग से लेकर बवाल के वीडियो मौजूद हैं, प्रमाण मौजूद हैं। इसके बाद भी चुनाव आयोग ने एक भी मतदान केंद्र पे पुनर्मतदान नहीं कराओ है। इसे चुनाव में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे हैं। 3 नवंबर को उपचुनाव में सुमावली, मुरैना और मेगांव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत वीडियो और विभिन्न प्रचार जो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई, अधिकारियों ने इनको संरक्षण दिया, आज तक संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आज सोचते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, वे सावधान रहें, क्योंकि आज इस सब चीजों का प्रमाण मौजूद है और 10 तारीख के बाद ये प्रमाण सामने लाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों से भी कही है कि उनकी निष्ठा संविधान के प्रति भय चाहिए, लोकतंत्र के प्रति भय चाहिए, ना कि कोनो पार्टी या सरकार के प्रति। बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।